Hey, but what's up? It's a BM back with a video. Video के साथ एक दफा हाजिर हो day 2 की आपकी height upgrade करने के लिए. Upgrade करने के लिए यानी आपको looking stylish और smart दिख सको. तो मैं आ गया हूँ आपसे day 2 की exercise share करने. तो share करने से पहले मैं बताता चलूँ, कुछ नहीं बताना. चलो चलो video देखो, जल्दी करो. Day 2 की आपकी exercise सबसे पहले आती है dry land swim. यानी मतलब आराम से खुश जगह पर बैठ के स्विम कर सकते हैं, या लाजमी नहीं है पानी में कूदना है. आपने पीछे से टांग अप कर लेनी है, एक दोनों हाथों ना अपने स्ट्रेट करके, मतलब जैसे स्विमिंग करते हैं ना, जैसे आप वीडियो में नजर आ रहा है एक मैट बिछी हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है उसके ऊपर, जैसे आप वो करते हो ना स्विमिंग करते हो, सेम वही आपने पैटर्न दोहराना है, रिसाइकल करते रहना है. वहां से आपने एक टांग सिर्फ अपनी अप रखनी है, जो पीछे से पछलियों की तरफ पाँव हिलाते हैं ना वो नहीं हिलाने. तो बस यहाँ से अपने सिर्फ हार्ट टच करने, क्योंकि हमने कोबरा को कोबरा स्ट्रेच जहाँ से करवाया था ना, अपनी बैक बोन पे असर किया था, वो ही हमने इफेक्ट करना है, अपना टारगेट करना है. इसके बाद आपके 45 सेकंड यहाँ अप हो जाते हैं. इसके बाद आपकी आ जाती है पेल्विक शिफ्ट. आपने 45 सेकंड की लगा लेने. पेल्विक शिफ्ट डे 1 वाली एक्सरसाइज है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ वही है. आपने मतलब सिंपल लेट जाना है, उसके बाद आपने अपनी हिप साइड अप करनी है, डाउन करनी है, अप करनी है, डाउन करनी है. इतना नॉर्मल लॉजिक तो आपको समझ आ चुका होगा, अब तक आ चुका होगा. इससे इतना मतलब कोई बड़ा मसला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. आप लोग एमके फिटनेस से जुड़े हो यार, क्या बात कर रहे हो. तो नीचे आप अपने अप एंड डाउन सीरीज जब कर लोगे कंप्लीट, अप एंड डाउन 45 सेकंड तक अप करना है, डाउन करना है, सिर्फ अपनी ना बॉडी को अपनी मतलब दिन में से ना अपने 10 मिनट एक इसको दे दो ना, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो तो यही आपके हो जाते हैं 45 सेकंड खत्म मेरी बातों के साथ. उसके बाद आपकी आ जाती है स्पोर्ट जंपिंग वाली एक्सरसाइज. स्पोर्ट जंपिंग आपने एक्सरसाइज करनी है, मतलब नीचे से अपने टांगों से नहीं कूदना शुरू कर देना, पता चले घर वाले बोले पागल हो गया है, जिम में भी ऐसी कुछ सोचने लगे. तो इससे अच्छा टांगों को नहीं अप करना, सिर्फ अपने नीचे जो लगाते हो ना, जैसे लोअर आपने अपने कार्डियो करते हो ना, उस तरह ही आपने करनी है. लेकिन अप करना है सिर्फ टांगों, छलांग नहीं मारनी, हाथ अप करने, हुर्रे नीचे, हुर्रे हिप हिप, हुर्रे ये वाला सीन आपने करना है 45 सेकंड तक आपने ये वाला सीन करना है अपने साथ 45 सेकंड. जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आपकी आ जाएगी अगली एक्सरसाइज, मतलब 45 सेकंड अप होने का इंतजार. लेट्स गो, 3, 2, 1, लेट्स गो. इसके बाद आपकी आ जाती है हैंड ऑन द हेड, गो डाउन. इतना बड़ा नाम ले रहा हूँ, आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या है, लेकिन इनको जो बोलते हैं ना, मतलब सीधी मैं इसकी प्रोनाउंस कर देता हूँ ताकि आपको गूगल में अगर ढूंढने भी जाओ तो आपको कहीं मसला ना हो. 45 सेकंड तक यहाँ पे आप अपनी एक्सरसाइज जारी रखेंगे कंटिन्यूस, पर आपने सिर्फ खड़े होना है. उसके बाद हाथ अपने कोनिया सीधी कर लेनी, जैसे वीडियो में बिल्कुल एंगल नजर आ रहा होगा. उसके बाद सिर्फ नीचे जाना है, ऊपर होना है, नीचे जाना है, ऊपर होना है, नीचे जाना है, ऊपर होना है. मतलब आपकी नेक हिलनी नहीं चाहिए, नेक आपने ना अकड़ा के ना सीधी कर लेनी है, हिलनी नहीं चाहिए. इसके बाद 45 सेकंड जहाँ पे आपके अप हो जाते हैं, उसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज, 3, 2, 1, लेट्स गो. इसके बाद आपकी आ जाती है 1 day 1 वाली एक्सरसाइज, ट्रायंगल पोज वाली, मतलब पुरानी एक्सरसाइज आ जाती है ट्रायंगल पोज की. ट्रायंगल पोज आपने 45 सेकंड तक कर लेने हैं. ये मैंने पहले बताया था कि ज्योमेट्री में एक स्केल आता है जैसे ट्रायंगल, सेम उसी तरह आपने पोज करना है. जब उसके नीचे वाली लेयर होगी ना, वो आपकी जमीने घेरी हुई है, बाकी जो अप एंड दो की जो एक मार्किंग हुई हुई है ना उसमें स्केल में, पर वो आपकी टांगे होंगी. मतलब आपको सिंपल सा लॉजिक समझ आ रहा होगा. 45 सेकंड तक आपने ये लगे रहना है, काम करते रहना है. सिर्फ एक 10 मिनट दे दोगे ना, लाइफ में बड़ा चेंज आ जाएगा, यकीन मानो. पर्सनल चॉइस आपको बता रहा हूँ. इसके बाद 3, 2, 1 आप, इसके बाद आपके आ जाते हैं टो टच डे 1 वाली एक्सरसाइज. सेम वाले आप ये नहीं बोलोगे पुरानी बता रहा है यार, जो मैंने उसको टारगेट करना है ना, सेम उसका मैंने टारगेट करना है, जो मेरे से टारगेट होना, मैंने मतलब जिससे टारगेट हो के आपके जो हाइट की इंक्रीजिंग शुरू होगी ना, जिससे टारगेट करना है मुझे, जिस चीज को टारगेट करना है सेम वही चीज टारगेट करने जा रहा हूँ मैं. सिटी टो टच को आपने सिंपल सा ले लेना है, मतलब वही पुराना वाला लॉजिक, जितना वाला पोजिशन, बैक टू बैक पैटर्न, सब कुछ पुराना है. बस सिर्फ 45 सेकंड तक आपने वही होल्ड करना है. तो अगर बकवास कर रहा हूँ स्किप कर देना. 45 सेकंड तक आप 3, 2, 1 लेट्स गो. Hey buddy, congratulations, आपकी यहाँ पे होती है एक्सरसाइज खत्म. डे 2 के फिनिश, हाइट इंक्रीज होने में इंशाल्लाह 2.5 दिन रहते हैं,
मगर उसके साथ आप डाइट भी लाजमी करते रहो जो मैंने आपको बताई है। आगे प्लस टच है वीडियो के साथ, पुरानी वाली वीडियो के साथ भी टच है। यहाँ भी टच कर देता हूँ, पुरानी वाली वीडियो ही टच कर देता हूँ ताकि आप लोग कहीं भूल ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पुरानी वाली वीडियो भी आप देख लेना, मतलब जो पुरानी डाइट की वीडियो वो मैं टच कर देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आपका डाइट प्लान आता है ब्रेकफास्ट का, आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर परांठा जैसे, ये आपकी पूरी लिस्ट एक लगी हुई है, मतलब एक लिखा हुआ आ रहा है, छपा हुआ आ रहा है, एक राइट है डे वन की, डे टू की, डे थ्री की, मतलब डे वन से लेकर स्किप 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 डे 30 तक आपने यही एक्सरसाइज करनी है। ब्रेकफास्ट के वेजिटेरियंस के नॉन वेजिटेरियंस बताया, स्नैक्स का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बताया, लंच का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बताया, डिनर का वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बताया। ये आपने चीज़ें हल्की हल्की खाने के साथ अपने रूटीन पे मतलब रखनी है। यहाँ से जितना आपको ये पूरी लिस्टेड मैंने छाप दी है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए, तो अगर आपको समझ ना आए तो इन चीज़ों की पूरी स्पेल उठा के गूगल पे रख देना, आपको वो पूरी लिस्ट दे देगा कहाँ से आपने क्या, ये क्या है, ये गद्दा क्या है, ये इसमें चीज़ें क्या हैं, इसमें सब कुछ आपके ए टू जेड आपके सामने रख देगा। इसी के साथ होती है डे वन के वीडियो ख़त्म, के साथ होती है डे वन की वीडियो खत्म। वीडियो खत्म होने के बस अप हो जाती है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए।